हेलो फ्रेंड्स, तो बीसीसी बोर्ड ने फाइनली बिहार आयुष काउंसलिंग बीएएमएस बीओएमएस बीएचएमएस का रैंक कार्ड रिलीज कर दिया है। तो आप लोग सबसे पहले वेबसाइट पे आना है बीसीसी की, और वहाँ पे आपको रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रैंक कार्ड आपका वेबसाइट दिया हुआ, आपको यहाँ पर यूजीएमएससी आईडी डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका रैंक कार्ड यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस तरह अपना रैंक कार्ड देख सकते हैं। उसके बाद बीसीसी बोर्ड ने चॉइस फिलिंग का डेट भी रिलीज कर दिया है, कब से कब चॉइस फिलिंग होगा। तो आपको यहाँ से वेबसाइट डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है चॉइस फिलिंग का, जो है आपको यहाँ पे सारे प्रोसेस के बारे में बता दिया गया है किस तरह आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो उसके बाद आपको देखते हैं कब से कब चॉइस फिलिंग और बाकी डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपडेट सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। 11/9 आज ही के दिन आपको सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। इसके वीडियो के बाद हम एक और वीडियो डालेंगे जिस पे आप हमको डिटेल से बताएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग ऑफ डेट सीट अलॉटमेंट। आपको 11/9 से आपको रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा वेबसाइट पे। आप वहाँ पे अपना यूजीएमएससी आईडी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल मोबाइल नंबर डालकर आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ चॉइस फिलिंग करके लॉक कर देना है। उसके बाद आप देखिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप ऑन लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की आप 14/9 है, और आप 14/9 को लास्ट डेट दिया गया है। और ये रजिस्ट्रेशन का ना कोई भी चार्जेस नहीं है या फिर कुछ फीस नहीं है, आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर कर लेना है। उसका फर्स्ट प्रोविजनल एंड सीट अलॉटमेंट पब्लिकेशन ऑफ डेट, आप 11 से 14 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उस बीच चॉइस फिलिंग भी आपको करना है। उसके बाद आपको 16/9/2024 तक को आपका प्रोविजनल आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोविजनल डाउनलोड कर लेना है और उसको मोबाइल में सही से रख लेना है। उस प्रोविजनल में आपको जो भी कॉलेज मिला है आपको, और उसमें लिखा ये भी रहेगा कि आपको कहाँ जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसका डाउनलोड अलॉटमेंट जो है आपका एंड चॉइस अपग्रेडेशन राउंड वन आपको 16 से लेकर आपको 18 तक है। तो इसमें 3 दिन का टाइम दिया गया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। और जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है, आपको जहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया आपको वहाँ जाना है। अगर आपको वो कॉलेज लेना है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सिंपली आप एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा, बट आपको वहाँ अपग्रेडेशन में डाल देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको राउंड टू का जो सीट अलॉटमेंट आएगा, आपको रिजल्ट पब्लिकेशन डेट आपको वो 27/9 को आएगा। उसका डाउनलोड आप कर सकते हैं, 27 से लेकर 5 तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जाकर आप यहाँ पे देख लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन राउंड टू 3/10 से लेकर आपको 5/10। तो ये रहा आपको चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट और एडमिशन का डेट वगैरह, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख लें कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको वहाँ ले जाना ज़रूरी है, जैसे ओरिजिनल रैंक कार्ड नीट रैंक कार्ड यूजीएमएससी आयुष प्रिंट और चॉइस फिलिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपको 3 कॉपीज लेना है, और 10th 12th का मार्कशीट एडमिट कार्ड सब कुछ ले जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने नीट एडमिट कार्ड पे जो दिया था वो वाला ले जाना है। और उसके बाद आपको जो अपने बीसीसी बोर्ड पे अप्लाई किया उसका प्रिंट आउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको वो ले जाना है। और कुछ आपने रिजर्वेशन लगाया कुछ और कैटेगरी से हैं तो आप उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ले जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट ले जाना है ओरिजिनल ले जाना है वहाँ पर, और उसके बाद आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। और उसके यहाँ पे कुछ आपको नोट्स दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर राउंड टू के लिए काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन है तो इच्छा व्यक्त किए हैं तो अपना मूल प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षर डॉक्यूमेंट स्लिप ले लेंगे। यह भी बताया गया है कि अगर आप राउंड टू के लिए अपग्रेड करते हैं, आपको राउंड वन में कॉलेज मिला आपको नहीं लेना आपको अपग्रेड करना, तो आप वहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, आपको उसको ले लेना है। उसके बाद आपको राउंड टू में अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद आपको राउंड टू का वेट करना है। अगर राउंड टू में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, अगर उसमें आपको कॉलेज अपग्रेड होकर कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो आप क्या कीजिएगा कि नोडल सेंटर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपको वहाँ जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप देना है और आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आपका सीट रिटेन रह जाता है जो राउंड वन में मिला प्रोविजनल अलॉटमेंट रिटेन रह जाता है तो आपको वहाँ फिर दोबारा रिपोर्टिंग नोडल सेंटर को वहाँ आपको जाना होगा और आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अन्यथा आपका जो पहला राउंड वन में जो आपको सीट मिली है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
बात थी जो आपको ध्यान रखना है एडमिशन लेने से पहले। उसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो में कि सीट कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अभी 2024 में जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट कितनी है। तब सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर, तो टोटल 63 सीट्स हैं आपको, इसमें आपको 54 सीट्स स्टेट कोटा के अंदर आपको काउंसलिंग कराई जाएगी। और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, इसमें टोटल 125 सीट्स हैं, 106 सीट आपको स्टेट कोटा में आपको काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिलेगा। और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय, अभी तक इसको परमिशन नहीं मिला है तो इसमें कोई भी सीट नहीं मिली है। उसके बाद गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना, टोटल 31 सीट्स है इसमें, तो 23 सीट्स आपको स्टेट कोटा में काउंसलिंग में आएगी आपको। और तो ये रही आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स। उसके बाद आप देखते हैं प्राइवेट कॉलेज में, जो आपको BHMS कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के उसमें देखते हैं, तो टोटल आपको इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 कॉलेज हैं इसमें, सॉरी 6 कॉलेज हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं सभी में 42 सीट्स हैं। और GD मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज पटना, उसमें 64 सीट है। तो होम्योपैथिक कॉलेज में भी इतने सारे कॉलेज को परमिशन मिला, और कुछ कॉलेज हैं जिनको परमिशन नहीं मिला, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनानी कॉलेज जो है बिहार में प्राइवेट, आपको उसमें कितनी सीट्स है कौन कौन से कॉलेज में। तो सबसे पहले देखेंगे निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज गया, इसमें टोटल 34 सीट्स है और 6 सीट ऑल इंडिया कोटा में आती है। उसके बाद सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज लेडियासराय दरभंगा, टोटल 38 मिलाकर ऑल इंडिया 46 हो जाएगी। उसके बाद जुल्फिकार हैदर यूनानी मेडिकल कॉलेज सिवान, टोटल 38 सीट ऑल इंडिया कोटा मिलाकर 45 सीट्स है। उसका सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर बड़ा चेकिया ईस्ट चंपारण, इसमें टोटल 51 सीट्स है, स्टेट कोटा मिला सॉरी ऑल इंडिया कोटा मिलाकर 60 सीट्स है। तो ये रहा गवर्नमेंट होम्योपैथिक यूनानी आयुर्वेदिक सभी प्राइवेट कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स। तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं इस सब कॉलेज में और एडमिशन ले सकते हैं। और आप कैसे काउंसलिंग चॉइस रजिस्ट्रेशन करना है वो भी इस वीडियो में हम बता देंगे। तो सबसे पहले आपको ना एक BCC कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड एक वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले विजिट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको ना लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, जैसे ये लिखा हुआ है ना बिहार BTech लेटरल इंटरव्यू काउंसलिंग, तो इसी तरह यहाँ पे अभी लिखा रहेगा फर्स्ट राउंड चॉइस रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ आयुष कोर्सेज 2024। तो अभी यहाँ पे लिंक नहीं आई है, शाम तक वेट कीजिए, लिंक आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर चॉइस फिलिंग करते रहिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आगे भी जो भी अपडेट आएगी हम वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।